तो भाई तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें ना एक बार बड़े घातक एमएमए फाइटर से मिलवाया था, जिसको पूरे 10 कुंगफू मास्टर्स ने मिलकर पूरे 1.5 साल तक चांदनी चौक पराठे वाली गली में कुंगफू सिखाया था। गजर मुनी की तरह काट दे, धर दे चांदनी चौक वाला। लेकिन भाई आज अपने पास उससे भी बड़ा असल है भाई। भाई मार्केट में घूम रहा है खुला चैलेंजर। 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ भाई। यूके भाई की चल रही है बहुत ही भयंकर ट्रेनिंग, वो भी पहाड़ों में, और कोई ऐसे वैसे पहाड़ों भी नहीं, उन्हीं पहाड़ों में जिनमें दुनिया के भाई सब नामी नशेड़ी गंजेड़ी भाई सब नकली शीला जीत लेके आते हैं। ऐसा तोड़ूंगा ना तेरे को, ऐसा तोड़ूंगा रिंग में। मेरे फार्म पर 3 दिन रहा, मैं बॉक्सिंग करूंगा, आ जाओ उसका फोन चैलेंज कर गया। किसी ने भी उसका चैलेंज भी कई जना ने एक्सेप्ट करा, कई जना ने वीडियो में मैं भी टैग करा। अब मेरे को शर्म आ रही है, मैं किसी को क्या जवाब दूं। हाँ मतलब बोल सकता होगा यार, मैंने नहीं सुना होगा, क्या हो गया भाई, गुस्सा मत हो। अमेरिका के इन्फ्लुएंसर हैं वो चैलेंज लेते हैं, इंडिया वालों की तरह नहीं है कि बोल लेंगे फिर भाग जाएंगे। भाई भाई को पता भी नहीं था कि भाई जाने अनजाने में इसी बंदे की बात करेंगे इस वीडियो में। और भाई यूके भाई चैलेंज तो तब एक्सेप्ट करेंगे ना जब यूके भाई को चक्का जाम करने से फुर्सत मिलेगी। भाई कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता हो ना कि भाई भगवान ने सारे दुख तुम्हें ही दे दिए, भाई तुम्हारी जिंदगी इतनी बदतर क्यों बनाई है। पर एक बार जरा इन पुलिस वालों को देख लो यार तुम। अरे असली दुख तो इनके पास है, दुनिया भर के एग्जाम देने के बाद, सालों की ट्रेनिंग करने के बाद, सारे काम छोड़ के इनको यूके भाई का चक्का जाम साफ कराना पड़ता है भाई। उत्तराखंड किंग भाई इतनी चाटने से तुम्हारे बाबू भैया तुम्हें सुपरा की चाबी नहीं पकड़ा देंगे, बोलेंगे ये लो बेटा घर ले जाओ इसे। भाई पहले तो ये बंदा इतनी भीड़ इकट्ठी कर लेता है, फिर उसी भीड़ के अंदर अपनी गाड़ी बांट देता है, और उसके बाद ऐसे ड्रामे भी करता है, मेरा शीशा तोड़ दिया। मुझे लगता है कि इस बंदे को ना सड़कों पे जाम लगवा कर एक ऑर्गेजम सा मिलता है भाई। मतलब एक बार भाई इस बंदे की शक्ल देखो यार, इस बंदे को बस अपने घर जाना है यार। भाई अब तो इस बंदे की सरकारी नौकरी पक्की है भाई, क्योंकि बाबू भैया ने इसे अपने व्लॉग में ले लिया ना यार। चलो भाई पिछले 10 किलोमीटर जो ये बंदा बाबू भैया गाड़ी का पीछा कर रहा था, अब घर जाके आराम से सो तो जाएगा। ओहो भाई लग रहा है इसकी जो नौकरी लगवा भी थी बाबू भैया ने। भाई ऐसे इस बंदे ने अपने घुटने ना कभी भगवान या फिर अपने माता पिता के आगे नहीं टेके होंगे, जैसे इसने अपने परमात्मा यूके भाई के सामने टेक दिए भाई। भाई ये बाबू भैया से एक फोटो मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। तो गाइस आगे एक महत्वपूर्ण जानकारी आने वाली है, और ये जानकारी आपकी जिंदगी बेहतर बना सकती है। हाल ही में मैंने अपने छोटे प्रीव्यूज के दोस्तों से सुना है कि प्रभावशाली आदमी एक बड़े ग्रुप में काम कर रहे हैं, उन्होंने एक खास सॉफ्टवेयर बनाया है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, और ये एविएटर गेम के लिए सही फैक्टर्स प्रदान कर सकता है। चलिए दिखाते हैं दोस्तों, ये 6 राउंड के लिए प्रेडिक्शन किया, मैंने यहाँ पे 2000 का रिस्क लिया है जिसका कोफिशिएंट है 6.10। रुको और ये रहा, देखो फोरकास्ट सही और मैंने यहाँ पे 11,140 रुपए जीत लिए। मुझे लगता है मुझे एक और बार ट्राई करना चाहिए। मैंने एक हाई कोफिशिएंट का इंतजार किया है 4.56, एंड इस बार मैंने 9,000 का रिस्क लिया। चलो इंतजार करते हैं, और मैं फिर जीत गया और रॉकेट सच में 4.56 पे लैंड किया है। दोस्तों मैंने सिर्फ 2000 से शुरू करके सिर्फ कुछ ही मिनट में पैसे निकाल लिए और 37,285 रुपए प्राप्त कर लिए। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आर्यन के टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाओगे, वहाँ टॉप पे पिन टेक्स्ट मी बटन होगा, उस पर क्लिक करो और आर्यन को लिखो मैं गट्सी लड़का चैनल से हूं, और उसके बाद उसके जवाब का इंतजार करो। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने उसके चैनल का लिंक छोड़ दिया है, सभी शर्तें फॉलो करो और इस सॉफ्टवेयर को बिल्कुल फ्री में प्राप्त करो। तो अब आर्यन के टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। भाई अड़ जाओ भाई, नायक पिक्चर का एक दिन का सीएम आ गया है भाई। मतलब यूके भाई भी पूरी फील ले लेते इन बेरोजगारों की और बेचारे पुलिस वालों की, कतई नेता ही कह दे। कैसे हो, बढ़िया? बोलिए, मैं जो है आपके साथ घूमना चाहता हूँ। भाई जिस तरीके से उस बच्चे ने खाली आधा सेंटेंस बोला ना, घूमना चाहता हूँ, मतलब उस बच्चे ने ये तक नहीं बोला कि मैं आपके साथ घूमना चाहता हूँ, बस अपनी आत्मा से जबरदस्ती आवाज निकाली उस बेचारे ने, घूमना चाहता हूँ। मतलब अंदर से उसका कोई मन नहीं है इस आदमी के साथ कहीं भी जाने का। नीचे चेक करो गाइस। भाई आंगनवाड़ी के बच्चे भी है यूके भाई की ब्रो सेना के अंदर, तो भाई सब पाछे हो जाओ पाछे। अरे नीचे नीचे मिलके फिर सुपरा के बाद सुना दे। ये चेक करो गाइस, ये
भाई सुबह से लेकर शाम हो गई और ये बंदे यहीं पे खड़े हुए हैं सिर्फ बाबू भैया की सुपरा की आवाज सुनने के लिए। भाई कती नाश मार रखा बाबू भैया ने सच में यार। भैया ये कितने का आता है? किडनी निकालो फटाफट अपने, लोगों को नहीं पता है गाइस ये नट्स है। बड़ा लंग्स होता है। किडनी मतलब फेफड़ा? नहीं किडनी फेफड़ा, फेफड़ा लंग्स होता है। लंग होता है, लंग्स को फेफड़े बोलते हैं। कंफ्यूज हो रहे हो गाइस, क्या का फर्जी डॉक्टर क्या डॉक्टर? भाई किडनी माने फेफड़ा होता है भाई। यार भाई मैं कह रहा हूँ ना, मतलब तुम इसे ले जाओ मेरी नजरों के सामने से, किसी ना किसी की डॉक्टर की डिग्री छीन ही लेगा आज। मतलब इतना बड़ा फरिश्ता है कि भाई सारे आम लोग ना भाई लंग से सांस लेते, लेकिन ये इकलौता एक ऐसा बंदा है जो किडनी से सांस लेता है। मेरी किडनी फाड़ दी इस बंदे ने ये बात बोल के, और ऊपर से वो बंदे इसको इतना समझा भी नहीं कि भाई लंग्स होते हैं फेफड़े, लेकिन उसके बाद भी ये बंदा इतनी हवाबाजी में इतने कॉन्फिडेंस में बोल रहा है कि भाई किडनी होती है फेफड़े। एक पल के लिए तो भाई वो बंदी भी कंफ्यूज हो गई बेचारी। भाई देखो मैं तुम्हें सही बता रहा हूं कि तुम भाई इन बंदों के नक्शे कदम पे मत चला करो। ये बंदे तो बोल देते हैं भाई चार पैसे कमाने के बाद कि वन शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, लेकिन भाई इन रियलिटी पढ़ाई लिखाई जरूरी है भाई, नहीं तो किसी दिन तुम्हारे लंग्स में दर्द उठेगा और तुम जाके अपनी किडनी का ऑपरेशन करा लोगे। भाई क्या कर रहे हैं भैया? आराम से। भाई उस कार वाले ने ना प्रणव भैया को मार दिया था और वो गाड़ी भगा रहा है। भाई प्रणव भैया को मार ही दिया था भाई उस बंदे ने। भाई एक बार देखना जरा। भाई क्या कर रहे हैं भैया? आराम से। भाई ना तो वो बंदा मुझे अचानक से गाड़ी काटता हुआ दिखा, ना तो उस बंदे ने अचानक से बीच सड़क पे बिल्कुल ही ब्रेक मार दी, बट फिर भी भाई प्रणव भैया को मार ही दिया था भाई उस बंदे ने। वो बात अलग है कि प्रणव भैया बिल्कुल उसकी गाड़ी से चिपक के चल रहे हैं, लेकिन प्रणव भैया एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई उस बंदे के लेफ्ट साइड पे अगर कोई ट्रक आए ना भाई तो बंदा उस ट्रक के अंदर घुसेड़ दे भाई अपनी गाड़ी, बट राइट ना मोड़े। और सिर्फ इतनी सी बात पे ना भाई, सिर्फ इतनी सी बात पे जो कि बहुत इजीली अवॉइड की जा सकती थी, यूके भाई ने यहाँ पे अपनी बदमाशी का इतना गंदा नंगा नाच किया है भाई। गाड़ी रोक, अबे गाड़ी रोक, अबे गाड़ी रोक, ये गाड़ी रोक, अबे ओ गाड़ी रोक। तो मारा नहीं ना कर पकड़ कर के, मर गए थे भैया। भाई यूके भाई जिस हिसाब से आप उस बंदे की गाड़ी के साइड में अपनी बाइक लगा के उसे गालियां बक रहे हो ना कि गाड़ी रोक, अब सपोज करो कि उस गाड़ी के अंदर सच में कोई टेढ़ा बंदा हो या कोई ऐसा बंदा हो जो दारू के नशे में बिल्कुल भंड हो और वो आपकी बाइक में देके मारे अपनी गाड़ी, तो भाई आपकी बदमाशी और आपकी लैंडी जैसी बॉक्सिंग ना इन्हीं झाड़ियों में बिखरी हुई पड़ी मिलेगी। यूके भाई हवाबाजी करने के लिए कई बार समय, जगह और हालात भी देखे जाते हैं भाई, कहीं ऐसा ना हो जितना नुकसान आपका बच गया आप अपनी हवाबाजी के चक्कर में उससे ज्यादा नुकसान करवा लो अपना। रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो इनके चेहरे, लेके आओ चेहरे, चेहरे रिकॉर्ड कर लो आगे से, चेहरे रिकॉर्ड कर लो, चेहरे रिकॉर्ड कर भाई, चेहरे रिकॉर्ड कर लो भाई, चेहरे रिकॉर्ड कर लो भाई, बिल्कुल उसकी गाड़ी में घुस जाओ यूके भाई तुम चेहरे रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब ये बंदा ये हरकत रात के 3 बजे बिल्कुल सुनसान रोड पे कर रहा है एक बंदे के साथ। भाई उस बंदे को खाली आपकी बाइक टच ही करनी है भाई आपकी जिंदगी खराब करने के लिए, बट यार कौन समझाए, चुटिया के वजन से दिमाग तो कम काम करता है ना इसका। बाइक अरे रहन दे, क्यों रहन दे भाई, ये तो इस बंदी ने रोक लिया यूके भाई को, नहीं तो यूके भाई की बदमाशी इतनी पीक पे थी ना इस समय, यूके भाई उन बंदों के पीछे रात के 3 बजे उनकी गलियों में घुस रहे थे भाई। भाई यूके भाई तुम्हें अपना बाड़वे वाड़वे बनवाना है क्या किसी से? भाई खून विच गर्मी कुछ ज्यादा ही है भाई यूके भाई की। दिख नहीं रहा था तू मर गया था साले में, तू किस पे चला रहा था भाई? अब भाई यूके भाई ने यहाँ पे जैसे तैसे उस बंदे की गाड़ी तो ढूंढ ली, लेकिन बदमोशी के ओवरफ्लो से यूके भाई की आंखों में ऐसा चोंचिया बिंद हुआ कि जिस बंदे को पेलने के लिए यूके भाई भाग रहे हैं ना वो बंदा गाड़ी के अंदर भी नहीं था भाई, वो बंदा पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी था भाई। ओ सॉरी, मेरे को लगा तुम बैठे थे उसके साथ, हम सो सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। तुझे क्या लगा था हम पकड़ नहीं पाएंगे तुझे? और अब क्या बता, बात बता, अगर पकड़ने वाली बात होती हम नंबर प्लेट छुपा के चलते, गाड़ी ठोक रहे हो हमारे सामने, गाड़ी ठोक रहे हो भाई, वो चाहता ना अपनी बाइक से तेरी गाड़ी साइड में दबा सकता था, ये शुक्र मना भाई उसने ऐसा कुछ किया नहीं भाई। यार ये वो कार जो हमें मार के भाग रही थी। हाँ भाई इसको मार के भागी तभी तो ये बंदा यहाँ पे सही सलामत खड़ा होकर दूसरे बंदों को मारने के लिए घूम रहा है। भाई मेरे से नहीं देखी जा रही है इस बंदे की सूखी हवाबाजी। सो भाई आज की वीडियो में इतना, होप करता हूं वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई जिस हिसाब से दिल्ली में गर्मी पड़ रही है ना भाई, एक ही चीज बोलना चाहूंगा भगवान से, ठंड पा। मैं यूके को ट्रेन कर रहा हूँ, है किसी में दम? है क्या किसी में दम? 1v vs 1 कर भाई। एक इस भाई की एनर्जी थी, है किसी में दम? और एक इस बंदे की एनर्जी थी, है क्या किसी में दम? है क्या किसी में दम? भाई बस यही सुनकर इस भाई को पता चल जाना चाहिए था कि ये बंदा कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करने वाला।